थ्री एक बार जरा देख लेते हैं गौरव के साथ। गौरव बताएं आप। जी हाँ, अगर आज मार्केट के एक्शंस की बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले BSE के स्टॉक की, क्योंकि BSE में कहीं हमें काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। और इसका कारण यह है कि अभी एक्सचेंज ने अभी ये अलाउ किया है कि T+0 जो सेटलमेंट है वो अभी हम कर सकते हैं BSE पे। और इसी के चलते हुए अगर हमने देखा कि फ़िलहाल के लिए कल से ये जो सुविधा है वो अवेलेबल होने वाली है, और फिलहाल के लिए 25 स्टॉक्स के लिए ये सुविधा अवेलेबल होने वाली है, जिसमें से कोई स्टॉक अगर नाम देखे तो बजाज ऑटोस, SBI, PPCL, JSW स्टील, ऐसे कोई स्टॉक्स है। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि BSE में एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंटम हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं पक्का लिमिटेड की, क्योंकि इस कंपनी ने एक रिवाइज्ड कॉस्ट को अप्रूव किया है उसके एक प्रोजेक्ट के लिए, जागृति प्रोजेक्ट करके जो प्रोजेक्ट था उसके लिए। और ये रिवाइज्ड कॉस्ट अभी 675 करोड़ रुपीज़ की होने वाली है। अब इसकी खासियत ये रहने वाली है कि इसकी वजह से एक्सपांशन जो है कंपनी एक्सपांड करने वाली अपना पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, और इसका कैपेसिटी जो है वो एक्सपांड होने वाला है 100 TPD से। और इसके अलावा पल्प मिल का जो कैपेसिटी है वो भी एक्सपांड होकर 130 TPD से 180 TPD पे जाने वाला है। और इसीलिए इस स्टॉक में भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है आज के दिन में। अगली बात करते हैं L&T की, क्योंकि L&T को फिलहाल में एक कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट मिला है जो कि जिसका वैल्यू 2500 से लेके 5000 करोड़ तक होने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस दोनों मार्केट्स में से मिलके मिला है, और इसीलिए हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी बिल्ट होते हुए देखा था आज के दिन में। अगली बात करते हैं शक्ति पंप्स की, क्योंकि कंपनी ने सक्सेसफुली रेस किया है 200 करोड़ QIP के तरफ से। और QIP में अगर हम बात करें तो उसकी खासियत ये रही है कि दो बड़े म्यूचुअल फंड जैसे LIC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड, इन्होंने ये जो है वो QIP में सब्सक्राइब किया है कंपनी के शेयर्स को। और इसके अलावा इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा आगे जाके सोलर पंप्स इंडस्ट्री में, और शक्ति पंप्स का जो लीडरशिप है सोलर पंप्स में इसमें, और इसी की वजह से ये स्टॉक जो है वो ज़रूर हमारे रडार पे बना रहेगा। और आखिर में बात करते हैं लुपिन की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही टैक्स का डिमांड मिला है, 477 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड मिला है। इसके चलते हुए कंपनी ने हालांकि बोला है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होने वाला फाइनेंशियल्स पे, पर एक निगेटिव एक व्यू हमें देखने को मिला। और इसके वजह से स्टॉक में भी अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक बेरिश व्यू हमें देखने को मिला था आज के दिन में। और इसीलिए इन खबरों के चलते हुए इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र कल भी बनी रहेगी।